जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा नेताओं ने तीन धार्मिक स्थलों से पहली वंदे भारत रेल से आए यात्रियों का स्वागत किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को तीन धार्मिक स्थलों अयोध्या, माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर से चली पहली वंदे भारत ट्रेनों से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पधारे यात्रियों का स्वागत किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शाहदरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ श्री राम नगरी अयोध्या से वंदे भारत रेल में आए यात्रियों का स्वागत किया। इस अवसर पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे ने तीन धर्म नगरियों अयोध्या, कटरा और अमृतसर के लिए नई वंदे भारत रेल चलाकर धार्मिक यात्राओं को और सुलभ बना दिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने करोल बाग जिलाध्यक्ष सुनील कक्कड़ और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर माता वैष्णो देवी की नगरी कटरा से आए यात्रियों का अभिनंदन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार तीर्थ यात्रा एवं पर्यटन को आम आदमी के लिए सुविधाजनक बनाने को अग्रसर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक जिलाध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर से पधारे यात्रियों का स्वागत किया और कहा कि इस नई वंदे भारत ने सिखों के दो तीर्थों स्वर्ण मंदिर साहिब गुरुद्वारा को गुरुद्वारा शीश गंज साहब से सीधा जोड़ दिया है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।